और इसी बीच आपको सतारा लिए चलते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और उनका संबोधन। आप सभी परिवारजनों के दर्शन की इच्छा है और मैं आज यहां आपके दर्शन करने आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और आपने जो भरोसा अपने इस सेवक पर जताया है उसकी जवाबदारी मेरी है और इसलिए मैं आज यहां आया हूं। और ये जो मैं जोश उत्साह देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, यहां से संदेश साफ साफ है और इस जोश उत्साह उमंग ये साफ मतलब है, फिर एक बार साथियों, ये मेरा सौभाग्य है। कुछ बातें याद आ जाती है जब यहां आता हूं तो। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया, तब तो चुनाव घोषित नहीं हुए थे, लेकिन जब मुझे घोषित गया तो मैं रायगढ़ के किले पर चला गया और कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने ध्यानस्थ होकर उस पवित्र भूमि पर बैठा था और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की उस समाधि स्थल से मुझे जो प्रेरणा मिली, जो ऊर्जा मिली, उस पवित्र माटी ने मुझे जो आशीर्वाद दिए, उसी की बदौलत मैं पिछले 10 साल उन्हीं आदर्शों विचारों को जीने का प्रयास करता हूं आपके लिए। कुछ न कुछ करने का प्रयास करता हूं। साथियों, सातारा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन को देखा है। सातारा की ये भूमि शौर्य की भूमि है। आज मिलिट्री अफसिंगे गांव हो या सातारा का कोई भी सैनिक परिवार हो, आत्मनिर्भर होती भारत की सेनाओं को देखकर वो सबसे ज्यादा खुश है। आज हमारी सेना के पास एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया हथियार है। अब आप ही बताइए भाइयों बहनों, ऐसे काम करके मोदी ने जिनकी दुकानें बंद कर दी वो खुश होंगे क्या? हथियारों के जिन दलालों को कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी लगती थी, वो कभी भी मोदी की वाहवाही करेंगे क्या? साथियों, मोदी ने सैनिक परिवारों को एक और गारंटी वन रैंक वन पेंशन की दी थी और मोदी ने ये गारंटी भी पूरी करके दिखाई। कोई कैसे भूल सकता है
कि कांग्रेस ने 40 साल तक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी उससे वंचित रखा। सिर्फ 500 करोड़ रुपए का जहां यानी झुंझुना दिखाकर कांग्रेस कहती थी ओआरओपी लाएंगे, यानी आंख में धूल झोंकने में इनकी ऐसी मास्टरी है, झूठ बोलने में इनकी ऐसी मास्टरी है। आज बीजेपी सरकार ओआरओपी के 1,00,000 करोड़ रुपए, अब सोचिए वो 500 का खेल खेल रहे थे 500 करोड़ का, आज 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है।